मध्य प्रदेश के जिला उमरिया में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए आदेश जारी किया गया था, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और SDOP के मार्गदर्शन पर इंदवार थाना प्रभारी मुकेश कुमार कोले एवं अमरपुर पुलिस चौकी प्रभारी सुंदरेश सिंह सहित समस्त स्टाफ की मौजूदगी में चेकिंग के दौरान अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन करते हुए ग्राम सुखदास एवं ग्राम पड़वार के दो अलग अलग स्थान से 8 ट्रैक्टरों को मौके से जब्त किया गया है। वहीं उमरिया कोतवाली पुलिस ने रेत से भरे हुए हाईवा ट्रक को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहनों पर धारा 102 अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि जिले में खनन माफिया बड़ी संख्या में सक्रिय है। नदी नालों एवं खदानों से अवैध रेत का उत्खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिले में खनन माफियाओं के वाहन रोडों पर ओवरलोड किए हुए हैं, तेज गति से दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिन कारणों से सड़कें खराब हो गई है और जिले में अनेकों बार घटनाएं हो चुकी है। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। थाना इंदवार में परसों जो है कार्रवाई की गई थी, जिसमें 8 ट्रैक्टर रेत से भरे हुए जब्त किए गए थे और उनको जब्त करके माइनिंग अधिकारी को सौंपे गए हैं, जिससे जो है वहाँ माइनिंग में कार्रवाई होगी। और एक डंपर सिटी कोतवाली द्वारा भी पकड़ा गया था, जिसको भी माइनिंग को दिया गया है, जिसमें माइनिंग वाले कार्रवाई कर रहे हैं। खनन माफिया इसमें जाल फैला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है और इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। और खनन खनिज जो है हमारे जो देश के प्रदेश की एक बहुत बड़ी धरोहर है, इसको बचाना ज़रूरी है। खनन माफियाओं के हौसले बहुत बुलंद है। ये जो भी कार्रवाई हुई है, जो उनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, इसके लिए वो पुलिस टीम और प्रशासन बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसी प्रकार से मैं ये चाहूँगा कि आगे भी कार्रवाई होती रहे, ताकि खनन माफियाओं का जो जाल है वो समाप्त हो सके और सरकार को उससे होने वाले जो नुकसान है, आम जनजीवन को जो पर्यावरण के कारण जो नुकसान होता है, उससे बचा जा सके।